तो ये हम लोगों का होटल है जिसके अंदर हम लोग स्टे कर रहे हैं उम्रा के दौरान। मक्का के अंदर क्लॉक टावर के अंदर है ये, आप मक्का टावर क्लॉक टावर जिस नाम से इसको जानते हैं, जो यहाँ पे एक ऊंची इमारत आपको दिखती है उसमें रेफरल्स मक्का पैलेस हम लोगों का होटल है उसमें हैं हम लोग ये। और इसकी एंट्रेंस जो है वो नीचे से जो टनल आती है वहाँ से है। यहाँ रुकने का फ़ायदा एक ये है कि आप जब लिफ्ट से निकलेंगे तो डायरेक्ट आपके हरम शरीफ के अंदर आप हैं और सीधे मस्जिद में आपकी लिफ्ट ओपन होती है, तो जो चलने फिरने वाली एक चीज़ है वो आपकी बच जाती है यहाँ पे, ज़्यादा आपको चलना फिरना नहीं पड़ता और आसानी रहती है आने जाने के अंदर। ये हम लोग का रूम है, रूम नंबर 509, और हम लोगों ने स्वीट बुक करा था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि हम लोग यहाँ पे आ पाए और इस जगह पे इतना अल्लाह ने हम लोगों को नवाज़ दिया इन चीज़ों से कि हम यहाँ पे आके अपना एक तमीज़ से रह रहे हैं इन जगहों पे, नहीं तो हम लोग तो किसी लायक है नहीं, इंसान की कोई हैसियत होती नहीं है इंसान की बिल्कुल भी, देने वाला अल्लाह है। ये रूम है, इस रूम की एंट्रेंस है, ये लॉबी है, साइड में इसका वॉशरूम था एक, ये डाइनिंग स्पेस है, डाइनिंग एरिया, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आपका फ्रूट्स और सारा सामान रखा हुआ था ऑलरेडी पहले से, बड़ा अच्छा रूम है। उसके बाद ये यहाँ पे आपका एक स्पेस हो गया, स्टोरेज है इसमें नीचे बहुत सारा, और ये लिविंग एरिया हो गया, लिविंग एरिया से आपका व्यू है, और व्यू इस दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यू है, ये सबसे शानदार व्यू, मस्जिद आपके बिल्कुल नीचे है, आप यहाँ से जब जाएंगे तो डायरेक्ट इसके अंदर एंट्री आप ले सकते हैं। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे, अच्छा इसके अंदर फ़ायदा यह है कि यहाँ पे आपको स्वीट होने की वजह से अगर ज़्यादा लोग हैं, जैसे हम लोग 3 लोग हैं, तो आप अपना आराम से प्राइवेसी के साथ भी रह सकते हैं। ये बेडरूम है, बेडरूम में आपकी एंट्री हुई, यहाँ पे ये लोग एक्स्ट्रा बेड आपको देते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ पीपल हु आर स्टेइंग हियर, तो यहाँ से भी आपका व्यू है बहुत ही अच्छा। और एक फ़ायदा ये है कि यहाँ रूम के अंदर क्लॉक टावर के जो होटल्स हैं इसमें रूम के अंदर ही आपके जो हैं अजान के स्पीकर लगे हुए हैं, तो आप अगर नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने रूम के अंदर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और वो जमात के साथ आपकी नमाज़ भी हो जाएगी, और आप हरम शरीफ के हदूद में कहीं भी अगर नमाज़ पढ़ें तो उसका सवाब उतना ही है। बाकी ये वॉशरूम था, वॉशरूम बहुत बड़ा था इसका, और ये है रात का नज़ारा।